पे क्या कर रहे हो तुम? मैं तुमसे मिलने आया हूँ दुर्दाना। नहीं नहीं प्लीज, अम्मी घर पर हैं, प्लीज तुम बाहर जाके बैठो। हाँ मैं बाहर आ जाऊंगी ना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं चाह रही थी नजीम अहमद, तुम ना जुल्कनैन के घर चलो मेरे साथ। तुमने जाना तो चली जाओ, मेरा जाना जरूरी है क्या? बतूल का रिश्ता मांगना है अमजद के लिए। और देख अमजद बेटा, माँ की खुशी में अल्लाह की खुशी होती है, तो किसी लड़की के लिए माँ का दिल दुखाएगा ना तो याद रखना, माँ का दुख अर्श हिला देता है। अम्मी मैं आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। ये तो अपने बाप से भी दो हाथ आके निकला। हाजरा परवीन, तेरी आजमाइशें अभी खत्म नहीं हुई। देखो गुलनास, तुम इतना सोचा मत करो। जब इंसान ज्यादा सोचने लगता है ना, तो उसे हर चीज में कोई ना कोई खामी नजर आने लग जाती है और फिर वो कभी खुश नहीं रह सकता। तो किस बात पर खुश हूं? हुँ? बताओ जरा। पहले तो तुम मुझे ये बताओ ना कि तुम इतना दुखी किस बात पर हो? हर वक्त बैठी अपनी किस्मत को कोसती रहती। ये किस्मत विस्मत ना कुछ नहीं होती है, इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है। सब कहने की बात है, कुछ लोग तो सारी जिंदगी छोटी छोटी जरूरतों की खातिर दौड़ते रहते हैं और जब मर जाते हैं ना तो कर्ज लेने वालों की कतार जनाजे की कतार से ज्यादा लंबी होती है, जबकि कुछ लोग तो अपनी माँ के पेट से वो खुराक लेना शुरू कर देते हैं जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हम जैसे लोगों को तो अल्लाह पैदा ही इसलिए करता है ताकि खुशहाल लोग हमें देखकर इबरत हासिल करें और अपनी आसाइशों पर शुक्रगुजार। यार क्या हो तुम? तुम्हारी ये मोटी मोटी बातें ना मेरी समझ से बाहर है। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि तुम्हें दुखी रहने के लिए हर वक्त कोई ना कोई वजह चाहिए होती है। गुलनास मेरी बात सुनो और समझने की कोशिश करो। इंसान को खुश रहने के लिए ना किसी बड़े घर में रहने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ एक मोहब्बत करने वाला शख्स ही इंसान की जिंदगी में हो तो बहुत है, और तुम तो खुद नाशुक्री हो। एक बार इमरान भाई की बात मान कर तो देखो, अगर उन्होंने तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भरना दिया ना तो फिर मुझे कहना। पागल हो गई हो तुम? जैसे तुम मोहब्बत कह रही हो ना, वो एक धोखा है, फ्रॉड है एक। मेरी मानो तो अमजद से इतनी उम्मीदें मत लगाओ तुम, ये ना कल को तुम्हें पछताना पड़े। ऐसा हो ही नहीं सकता, अमजद मुझसे मोहब्बत करता है, बेपनाह मोहब्बत करता है, और मुझे ना उस पर पूरा भरोसा है, वो मुझे कभी भी धोखा नहीं दे सकता। दुर्दाना, मुझे इमरान ने खुद बताया है कि खाला रुकैया और खाला हाजरा आजकल बतूल और अमजद की शादी की तैयारियां कर रही हैं। झूठ बोलते हैं इमरान भाई, उनकी तो कभी अमजद से बनी ही नहीं है, इसीलिए तो वो तुम्हें उल्टी सीधी पट्टी भड़ाकर हमारे दरमियान में गलतफहमी पैदा करना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ मुझसे शादी करेगा, और ये बात ना वो खाला हाजरा को भी बता चुका है। अब अगर दोबारा इमरान भाई तुमसे ऐसी कोई भी बात करे ना तो मुझे बताना आकर। मुंह तो और जवाब ना दिया ना, नाम बदल देना मेरा। फोन पिक क्यों नहीं कर रहे हो?
अम्मी क्या हुआ है आपको? इमरान भाई क्या हुआ है अम्मी को? कुछ नहीं हुआ मुझे बेटा, मैं ठीक हूँ। खाला बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बेहद कमजोरी हो गई है। ये क्या हुआ है? सड़क पर बेहोश हो गई थी, वो तो अच्छा हुआ सही वक्त मैं पहुँच गया, वरना पता नहीं क्या होता। आप ठीक तो है ना? मेरा बच्चा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम इसके लिए कुछ चाय वगैरह का इंतजाम करो, ये कब से मेरे लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। अम्मी हो जाएगा चाय का बंदोबस्त, भी आप आइए ना मेरे साथ। तुम इन्हें अंदर ले जाओ। प्लीज संभल के। ये दवाइयां हैं, उन्हें टाइम पर दे देना, और इसमें ग्लूकोज का डब्बा भी है, वो भी पिला दो। ठीक है, तुम बैठो। फहमीदा, फहमीदा क्या हो गया? फहमीदा तुम ठीक तो हो ना? फहमीदा ये बोल क्यों नहीं रही है? क्यों नहीं बोलती? अम्मी आप ठीक है ना? अम्मी जान अब फिक्र नहीं करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये लें, हम एक ग्लूकोज पी लें जल्दी। अम्मी थोड़ा सा बस प्लीज। अरे अच्छा अच्छा, बाद में पी लेंगे, बाद में पी लेंगे। रखो इसको। इमरान का है, इमरान को चाय बना के पिला दो। अल्लाह अम्मी, उसको पिला देंगे चाय पानी भी, आपको अभी भी उसकी फिक्र है, अपनी टेंशन लेना। अरे मुझे तो कोई कुछ बताए, इसे हुआ क्या था? ये तो यहाँ से बिल्कुल ठीक ठाक गई थी, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? नहीं दादी, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। अम्मी चकरा के गिर गई थी सड़क पे, वो इमरान भाई ले आए ना, अब ठीक है पहले से। शुक्र है मालिक तेरा, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई मसला नहीं हुआ बड़ा। गुलनाज, गुलनाज बेटा इमरान को चाय बना के दे दो। अम्मी, अम्मी आपको क्या हो गया है? आप अपनी हालत तो देखें, आप इस हालत में भी दूसरों की फिक्र कर रही हैं। अच्छा चलो मैं जा रही हूँ बनाने। रोज पी के जाता है वो यहाँ से चाय, अगर एक दिन नहीं पीकर जाएगा ना तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। आहिस्ता बोलो दुर्दाना, वो सुन लेगा तो उसको कितना बुरा लगेगा। बुरा लगता है तो लगे, दफा करें ना, अब छोड़ें सारी बातें, बस सो जाएं चुप करके अब। अच्छा मेरी टांगे दबा दो, मुझे टांग में दबा दो। दर्द फहमीदा, फहमीदा जी। अम्मी जान बहुत दर्द है। गुलनाज उठो, उठो बेटा उठो। क्या क्या हुआ है? दादी की तबीयत बहुत खराब है। अम्मी जान दादी आंखें क्यों नहीं खोल रही है? अम्मी दादी उठे ना प्लीज। चाय पीने नहीं आया मैं। जानती हूँ अम्मी की जिद थी इस वजह से बनाने का। शुक्र है तुम्हें किसी की जिद का तो एहसास है। आज अगेड भी नहीं गई तुम? नहीं, रात भर सो नहीं सकी हूँ मैं, इसीलिए आज सारा दिन सोती रही। तुम जिस तरह वहां से उठकर आई थी मैंने उसी वक्त कसम खा ली थी दोबारा इस तरफ का रुख नहीं करूंगा। तो खाला फहमीदा की वजह से मुझे अपनी कसम तोड़नी पड़ी, अब सबसे पहले इसका कफारा अदा करूंगा मैं। अच्छा हुआ तुमने मेरी ये गलत फहमी भी दूर कर दी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम खुद को ऐसी कसम दोगे। तुम्हारी इन सब बातों के बावजूद मुझे एक उम्मीद थी, शायद तुम मेरी मजबूरी समझोगे। अगर तुम तो खैर, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं। अपनी गलती कभी तस्लीम मत करना, हमेशा दूसरों को ही कसूरवार ठहराना। मैं तुम्हें कसूरवार नहीं ठहरा रही, कम से कम आज के दिन इस वक्त तो मैं तुम्हें बिल्कुल कसूरवार नहीं ठहरा सकती। इतना बड़ा एहसान किया है तुमने मुझ पर, अम्मी को सड़क से उठाकर तुम घर लेकर आए हो, अपनी कसम तक तोड़ दी तुमने उनके लिए। आज तुम पहले वाले इमरान थोड़ी हो, आज तो तुम मोहसिन बनकर आए हो हमारे लिए। हकीकत तो ये है कि आज अल्लाह ताला ने रहमत का फरिश्ता बनाकर भेजा है तुम्हें हमारे लिए। आज तो मैं तुमसे बिल्कुल बहस नहीं कर सकती।
अरे चाय क्यों छोड़ दी तुमने? कसम तो तुम तोड़ ही चुके हो। चाय कप में छोड़ने से कफारा माफ थोड़ी हो जाएगा। मैं चलता हूँ, जरूरी काम है, देर हो रही है। शायद फिर ये मौका ना मिले, इसलिए तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या तुम अब भी अपनी जिद पर कायम हो? मैंने तुमसे कोई जिद नहीं लगाई थी इमरान, मैंने तुमसे सिर्फ इतना कहा था कि अगर तुम चाहते हो मैं पेपर ना दूं तो खाला को मेरे घर भेज दो, मगर मुझे लगता है मुझसे ज्यादा तुम्हें मेरी जिद तोड़ने में दिलचस्पी है। मुझे हरा कर अपनी जीत का जश्न मनाना चाहते हो? तो इसका मतलब ये है कि मैं अपना फैसला करने में आजाद हूं। तुम पहले भी आजाद थे, तुम अब भी आजाद हो, तुम्हें कौन पाबंद कर सकता है? इमरान, कोई भी फैसला करने से पहले इतना जरूर याद रखना, हर कसम तोड़ने का कफारा नहीं होता, कुछ कसमें तोड़ने की सजा होती है। भाई चले गए? हाँ चला गया। गुलनास, क्या हुआ है तुम्हें? इमरान भाई से कोई बात हुई है क्या? नहीं। तो फिर मुझसे सवाल जवाब करना छोड़ो, ये बताओ अम्मी की तबीयत कैसी है? अम्मी की अभी अभी आंख लगी है। तुम्हें पता है दादी कह रही थी कि अम्मी रात भर सो नहीं सकी, फिर सुबह उठ के चली भी गई, ऐसा तो होना ही था। आपसे क्या दुश्मनी है सबको? कोई आपका नाम सुनना क्यों गवारा नहीं करता? बताए ना अम्मी, क्या बिगाड़ा आपने सबका? बताए ना मुझे, आपने क्या बिगाड़ा है सबका? अस्सलामुअलैकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आज जल्दी नहीं आ गए तुम? हाँ वो ऑफिस से बाहर गया था, उसके बाद ऑफिस वापस नहीं गया, सीधा घर आ गया। चलो अच्छा किया। खाना खाओगे? नहीं मुझे भूख नहीं है। अम्मी आपने कहा था कि आप मेरे लिए कोई लड़की देख रही हैं, अभी तक कोई आपको पसंद आई है या नहीं? हाँ बताया तो था, मगर मैंने तुम्हें कहा था कि बतूल की शादी के बाद तुम्हारे लिए लड़की ढूंढूंगी। क्यों,
तुम्हें कोई लड़की पसंद आ गई है क्या? कहीं तुम फिर से गुलनाज की बात तो नहीं करने लगे मुझसे? क्या बात कर रही हैं अम्मी? गुलनाज भला इस काबिल है कि मैं उससे शादी करूं? अगर इतना पढ़ लिख कर इतनी अच्छी नौकरी के बाद भी गुलनाज जैसी लड़की से शादी करनी थी तो इतनी मेहनत का क्या फायदा? लेकिन अगर आपको वो पसंद है तो आई डोंट माइंड, क्योंकि मैं तो शादी आपकी पसंद से करूंगा। मैं पागल हूँ जो गुलनाज से तुम्हारी शादी करके हाजरापा से नाराजगी मोल लूंगी? ना भी ना, मैंने अमजद और बतूल की शादी करनी है। तुम्हें तो हजारों लड़कियां मिल जाएंगी, बतूल के लिए रिश्ता कहाँ से ढूंढूंगी फिर मैं? तुम लोगों को कोई खुदा का खौफ है कि नहीं? तुम जिससे चाहे रिश्ता करो, लेकिन किसी की बहन बेटी के लिए ऐसे तजीक से बात करना तुम्हें जेब नहीं देता। अगर पता होता ना कि आप कान लगाए सुन रहे हैं तो हम ना करते। मैं सुनूं या ना सुनूं, अल्लाह तो सुन रहा है ना, थोड़ा ख्याल किया करो। पता नहीं फहमीदा के बारे में कोई भी बात करो तो सब मर्दों के दिल में हमदर्दी के जज्बात ठाठे क्यों मारने लग जाते हैं? तुम्हें समझाना नामुमकिन है। छोड़ो तुम इन्हें। अच्छा ये बताओ क्या कह रहे थे तुम? मम्मी जिंदगी बोर सी होने लगी, मुझे लगता है कि मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए। आप बस जल्दी से मेरे लिए कोई लड़की देखें और मेरी शादी करवा दें। बस थोड़ा इंतजार कर लो, एक बार अमजद और बतूल का निकाह हो जाए फिर उसके बाद मैं तुम्हारे लिए ऐसी लड़की ढूंढूंगी कि सारी दुनिया देखेगी। अम्मी ये क्या जरूरी है कि मेरी शादी अमजद और बतूल की शादी के बाद ही हो? पहले भी तो हो सकती है। तू समझता नहीं है बेटा, तेरी फूफी को जानती हूँ मैं। अगर तेरी शादी पहले मैंने किसी अमीर और बड़े घर की लड़की से कर दी ना, तो फिर वो भी अपने बेटे के लिए वैसी लड़की ढूंढना शुरू कर देगी। अच्छी तरह जानती हूँ मैं हाजरा आपा को। तो इसका मतलब है कि मैं अभी आराम से बैठ जाऊँ और शादी का ख्याल दिल से निकाल दूँ? अकलमंदी का तकाजा तो यही है कि तुम अभी थोड़ा इंतजार करो। अब देखो मैं करता क्या हूं। बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास ना दिलाया तो मेरा नाम इमरान नहीं। अगर इस बार तुमने अपनी जिद पूरी कर भी ली तो वहां वहां तुम्हारी जिद तोड़ूंगा जहां जहां तुम सोच भी नहीं सकती। हमीदा, दर्द बहुत दर्द है। बहुत दर्द है, दर्द हमीदा, हमीदा जी। हमीदा बहुत दर्द है। क्या हमीदा यहाँ बहुत दर्द है? यहाँ क्या हो गया आपको? भी मुझे नहीं पता, दर्द बहुत है। देखिए ना, दो दिन से दवा भी तो नहीं खाई आपने। या अल्लाह, फहमीदा दर्द है। अच्छा यहाँ दबा दो। मैं दबाती हूँ। डॉक्टर के पास ले जाना होगा। इस वक्त मैं रात को कैसे ले जाऊंगी? अच्छा अच्छा अम्मी, अम्मी जान हिम्मत करें, हिम्मत करें, मैं किसी को बुला के लाती हूँ। दर्द मुझे बच्चियों को बुलाने दे, हमें अस्पताल जाना होगा। मैं बस आ रही हूँ। गुलनाज दुर्दाना, गुलनाज उठो, उठो बेटा उठो।
क्या क्या हुआ है? दादी की तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ दादी को? मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उनको अस्पताल ले जाना होगा। तो तुम एम्बुलेंस को फोन करो, तुम मेरे साथ चलो, जल्दी फोन मिलाओ। अच्छा अम्मीजान आंखें खोले। क्या हुआ दादी को? दादी दादी बेहोश हो गई है शायद। अम्मीजान दादी आंखें क्यों नहीं खोल रही है? अम्मी दादी उठे ना प्लीज। बेहोश हो गई आराम से। मैंने फोन कर दिया एम्बुलेंस को। क्या हुआ दादी? नहीं उठी क्या? बेहोश हो गई है तकलीफ से दादी। देखो अम्मी आंखें क्यों नहीं खोल दादी। दादी अम्मी चले हम लोग चलते हैं। अम्मी चले ना हम लोग चलते हैं। नहीं बेटा तुम दोनों घर पे रहोगे, मैं लेकर जाऊंगी इनको अस्पताल। एम्बुलेंस है कहाँ? आने वाली है बस। दादी उठे अभी एम्बुलेंस आ गई है। चले उठे जल्दी चले जाओ बुला के लेकर आती हूँ। दादी 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 उठे दादी। आप रिसेप्शन पर जाके इमरजेंसी की पर्ची बनवाने। मैं अम्मी जान को अकेले छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? देखिए पर्ची तो बनवानी पड़ेगी, इसके बगैर इलाज शुरू नहीं हो सकेगा। अच्छा जल्दी से जाइए। सर इन्हें कभी पहले भी ऐसा दर्द हुआ है? जी हुआ तो है वो, मगर इतना शदीद कभी नहीं हुआ। दरअसल दो दिन से इन्होंने दवा नहीं खाई है शायद इसलिए। अम्मी जान ठीक तो हो जाएंगी ना? इनका अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा फिर सिचुएशन क्लियर होगी। आप अल्ट्रासाउंड की पेमेंट कराएं, हम तब तक इन्हें संभालते हैं। अल्ट्रासाउंड की फीस कितनी है? वो आपको बाहर काउंटर से पता चल जाएगा। जल्दी जाइए, जो मैं समझ रहा हूँ अगर वही प्रॉब्लम है तो हमें इन्हें फॉरन ट्रीट करना पड़ेगा। हरी अप प्लीज। जी आपको 35,000 जमा करवाने होंगे। 35,000 रुपये? हेलो आपके पेशेंट की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है तो आप जल्दी से हॉस्पिटल पहुँच गए। Oh,
अम्मी का फोन ही बंद जा रहा है, हो सकता है हॉस्पिटल में सिग्नल का इशू हो। अम्मी को अकेले नहीं जाना चाहिए था, अभी कल ही तो वो चकरा कर गिरी है, पता नहीं उनकी कैसी हालत होगी। गुलास हम एक काम क्यों नहीं कर लेते, मैं अमजद को कॉल कर लेती हूँ, वो अम्मी के पास हॉस्पिटल चला जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें अमजद को कॉल करने की, खाला हाजरा को पता चल गया ना तो वो छोटी सी बात का बतंगड़ बना देंगे और हम सारी ज़िंदगी सफाइयाँ दे देकर थक जाएंगे, मगर उनकी तसल्ली नहीं होगी। देखो ये वक्त ऐसी बातें सोचने का नहीं है, हमें इस वक्त किसी ना किसी की तो हेल्प चाहिए ना, अगर अमजद को बुला लेंगे तो क्या हो जाएगा? पागल तो नहीं हो गई तुम? पता है ना ऐसे वक्त में किए गए फैसलों का खमियाजा सारी ज़िंदगी भुगतना पड़ता है। तुम भी पता नहीं कैसी बातें करने लग गई हो, अगर अमजद हॉस्पिटल चला जाएगा तो खाला हाजरा को क्या तकलीफ हो जाएगी? हाँ तुम्हें खाला हाजरा का नहीं पता क्या? आज तुम अमजद को कॉल करके हॉस्पिटल जाने का कहोगी, कल को यही बात खाला हाजरा को पता चली ना तो वो पूरे जहान में ढिंडोरा पीटती फिरेंगी कि आधी रात को दुर्दाना ने अमजद को कॉल करके बुलाया। क्या जवाब दोगी फिर इस बात का? चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी लेकिन ये दाग नहीं मिटा सकोगी तुम। बस दुआ करो कि दादी की तबीयत ठीक हो जाए। तुम प्लीज अम्मी को दोबारा कॉल करो। हाँ बेल जा रही है। हेलो हेलो अम्मी, इधर तो अम्मी सब खैरियत तो है ना? दादी की तबीयत कैसी है? बस बेटा तुम दुआ करो, अभी उनके टेस्ट हो रहे हैं, उनकी रिपोर्ट देखकर ही डॉक्टर फैसला करेंगे कि क्या करना है। दादी होश में तो आ गई थी ना? हाँ हाँ होश में आ गई हैं, तुम लोग फिक्र मत करो, मैं थोड़ी देर में खुद फोन करके तुम्हें बताती हूँ जब रिपोर्ट्स आती हैं। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटा। अल्लाह तेरा शुक्र है। जाने कैसा दर्द है, दवा ना कोई वेद है, मिले हैं कैसे सीने, ऐ मेरे खुदा बता। डॉक्टर साहब आपने रिपोर्ट्स देख ली? अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट तो देख ली है लेकिन ब्लड की रिपोर्ट आने में ज़रा टाइम लगेगा। कोई ख़तरे की बात तो नहीं है? देखिए इनके पित्ते में स्टोन है जो कि काफ़ी बड़े साइज़ का है, हमें ऑपरेट करके इनका पित्ता फौरी तौर पर निकालना पड़ेगा, अगर ना किया तो इनकी जान को ख़तरा भी हो सकता है। ऑपरेशन? मामूली सा ऑपरेशन है लेकिन बहुत ज़रूरी है, हमें फ़ौरन करना है, अगर नहीं करेंगे तो इनको ख़तरा हो सकता है। आप लोग डिसाइड कर लें, अगर ऑपरेशन करना है तो हम पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं और सुबह ऑपरेशन हो जाएगा। अगर आप नहीं करवाना चाहते तो इनको साथ अपने घर ले जाएं, हमने इनको मेडिसिन दे दिए, दर्द में आराम आ गया है, लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा, आगे आपकी मर्जी है। डॉक्टर साहब ऑपरेशन में पैसे कितने लगेंगे? ये फाइल आप रिसेप्शन पर ले जाएं, वो आपको सारा प्रोसीजर गाइड कर देते हैं। ऑपरेशन? यस ये डॉक्टर साहब ने दिया है, कह रहे हैं ऑपरेशन कराने, मुझे जरा बता दे। मैं क्या बता देती हूँ आपको, भी एक मिनट रुकिए। जी आपको 35,000 जमा करवाने होंगे। 35,000 रुपये? जी अगर आपने ऑपरेशन करवाना है तो मैं पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट करवा दूँ। वो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि कुछ पैसे कम नहीं हो सकते? आपका तो ये ट्रस्ट का अस्पताल है। जी ट्रस्ट का अस्पताल है इसलिए तो इतने पैसे बताए हैं, वरना 1,00,000 से ऊपर का खर्चा होता है दूसरे अस्पतालों में। वैसे भी डॉक्टर साहब ने इसमें अपनी फीस नहीं डाली, ये सिर्फ ऑपरेशन का खर्चा है। शिफ्ट करवा दो वार्ड में बताएं। हाँ जी आप शिफ्ट करा दें, मैं सुबह तक पैसे जमा करवा दूंगी। ठीक है।
तो मुझे कहाँ ले आई है? मुझे घर ले चल, मैं ठीक हो गई हूँ। अम्मी जान, ये अस्पताल है, आपको इलाज के लिए लाई हूँ, 2-3 दिन आपको यहीं ठहरना पड़ेगा। अरे पागल, ये अस्पताल नहीं है, ये तो पैसे बटोरने वाली एक मशीन है। तुम जितने दिन यहाँ रहोगी ना, उतने पैसे बनते चले जाएंगे। तुम मुझे घर ले चलो, मैं ठीक हूँ, दर्द नहीं हो रहा ना। ऐसी बातें मत करें अम्मी जान, आराम कर लें। फहमीदा, मैंने बिल्कुल ऑपरेशन नहीं करवाना, ये मेरी उम्र है ऑपरेशन करवाने वाली। तुम मुझे कहो कोई कोई मुझे सस्ता सा टीका लगा दें, मैं हमेशा के लिए सो जाऊँ। खुदा का खौफ करें अम्मी जान, कैसी बातें कर रही हैं, मैं पहले ही इतनी परेशान हूँ। तभी तो कह रही हूँ, तुम्हारी परेशानियों की एक वजह मैं भी तो हूँ ना, जब मैं नहीं होंगी ना तो तुम्हारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। बस अम्मी जान, और कोई बात नहीं करनी आपको। देखिए आप ही इनसे बातें मत करें, इन्हें आराम करने दें। मैं सोती रहूं और तुम और तुम्हारा अस्पताल मेरी बेटी से पैसे बटोरते रहो। मुझे जाना है यहाँ से, मुझे इलाज नहीं कराना। फहमीदा मुझे ले चलो, मुझे घर जाना है। देखिए मुझे कुछ देर के लिए घर जाना होगा, पैसों का इंतजाम करने के लिए। आप इनका ख्याल रखेंगी ना? आप फिक्र मत करिए, मैं यहीं पर ही हूँ, और वैसे भी इनको नींद का इंजेक्शन दे दिया और ये आराम से अब सोई रहेंगी। अच्छा ठीक है, तो मैं चलती हूँ। देखिए इनके पित्ते में स्टोन है जो कि काफी बड़े साइज का है, हमें ऑपरेट करके इनका पित्ता फौरी तौर पर निकालना पड़ेगा, अगर ना किया तो इनकी जान को खतरा भी हो सकता है। मामूली सा ऑपरेशन है लेकिन बहुत जरूरी है, हमें फौरन करना है, अगर नहीं करेंगे तो इनको खतरा हो सकता है। अम्मी, इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा? कहीं ना कहीं से तो करना पड़ेगा। 35,000 रुपए के लिए मैं अम्मी जान की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती। मगर हम अम्मी, आपके पास कितने पैसे हैं? 8-10 हज़ार रुपए होंगे। 4,000 मेरे पास भी हैं। तुम्हारे पास 4,000 कहाँ से आए? वो अकेडमी की फीस मैंने अभी तक बचा कर रखी है। लेकिन अम्मी, ये पैसे तो अभी भी बहुत कम है, हमें तो और भी काफ़ी चाहिए, कहाँ से लेकर आएंगे? तुम दोनों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कहीं ना कहीं से इंतज़ाम कर लूँगी। सो जाओ तुम दोनों, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। परेशानियों की एक वजह मैं भी तो हूँ ना, जब मैं नहीं होंगी ना तो तुम्हारी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी।
फहमीदा बहन आज आज अंदर आ जाओ। सब खैर तो है ना? अभी कल ही तो तुम आया था, ठीक है ना सब कुछ? खान भाई मुझे पैसों की बहुत शदीद जरूरत है। कितना पैसा चाहिए बताओ ना। माँ जी का ऑपरेशन होने वाले पिते का 35,000 रुपए मांगे अस्पताल वालों ने। देखिए आप मुझे जितने भी पैसे दे सकते हैं आप दे दें, मुझे तनख्वाह मिलते ही मैं आपको लौटा दूंगी। वापसी का मसला नहीं है, मगर बहन हम खुद गरीब आदमी है, बाल बच्चेदार है, पीछे गाँव में हमारा खानदान हमारी तरह पे पलता है। हमारे पास है 2,000 है हमारे लिए खर्च का, ये तुम रख लो, लेकिन ये वापस नहीं करना। रख लो रख लो रख लो, इससे तुम्हारा जरूरत तो पूरा नहीं होगा लेकिन एक भाई का फर्ज पूरा हो जाएगा। रख लो, अब आंखों में आंसू नहीं है, बस रख लो। अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। हेलो जी, फहमीदा बोल रही हैं आप? जी मैं बोल रही हूँ, आप कौन? मैं अस्पताल से बोल रही हूँ। आपके पेशेंट की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है तो आप जल्दी से हॉस्पिटल पहुँच गए। तो फहमीदा खाला का नंबर है। तुम जानते हैं इमरान गुलनाज से क्या कहता है? कहता है कि अमजद जो एक एक रुपए के लिए अपने बाप के आगे हाथ फैलाता है, अपने माँ बाप को दुर्दाना से शादी के लिए कहाँ मना सकेगा? ये कहा उसने? लेकिन अभी के अभी जुलकर नैन खुद अपने मुंह से कबूल करके गया है कि अपनी गाड़ी पे बिठा बिठा के फहमीदा को उसके घर छोड़ता रहे। फहमीदा तू मुझे गैर क्यों समझती हो? मैंने हमेशा तुम्हारी मदद करने की कोशिश की है दिल से, लेकिन तुम मुझे कुछ बताती नहीं। मुझे वादा करो कि कोई भी प्रॉब्लम होगी तो तुम मुझे बताओगी।